नंदीसरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा नौवीं का गणित इसमें एक प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 2.5 और उसमें क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्या है क्वेश्चन? वेरीफाई करना है। वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इजकल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई वाई स्क्वायर, यानी अपने क्या करना है, इसका वेरीफाई करके चलना है, सत्यापन करना है। क्या करना है? सत्यापन। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को देखिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसमें अपन राइट हैंड साइड लेके चलते हैं आर एच एस। आर एच एस क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप सब मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस। अब एक्स का एक्स स्क्वायर करोगे मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स का एक्स में एक्स वाई प्लस एक्स का वाई स्क्वायर प्लस वाई का एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई का वाई में प्लस वाई स्क्वायर का वाई में। इस प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। और उसमें देखिए इसकी पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई वन और टू थ्री हो जाएगी, एक्स टू की पावर थ्री माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस। और इसमें क्या करोगे, एक्स स्क्वायर वाई माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगी, एक्स वाई एक्स वाई स्क्वायर का प्लस का एक्स क्रॉस हो जाएगा। अब क्या है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एल एच एस। ये अपन को सिद्ध करके चलना है, आर एच एस इक्वल टू एल एच एस एंड प्रूव। इसी प्रकार से आपको एक और क्वेश्चन है सेकंड, वो आपको स्वयं करना है। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आप इसी प्रकार से डन करें। अब इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपका फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग 27 बाय क्यू प्लस 125 रेड क्यू। इसे अपन क्या करेंगे, फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। चलिए अपन फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज ऑफ द फैक्टराइज करना है क्वेश्चन नंबर 10। क्या दिया है, 27 y क्यू प्लस 125 z क्यू। आज को अपन देखते हैं इसमें क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है यानी वनमेंट करके चलना है। 27 को 27 क्या रखेंगे, 3 टू दी पावर 3 y क्यू प्लस 125 को रखेंगे 5 टू दी पावर 3 z क्यू। उसमें से पावर थ्री को कॉमन ले ली, थ्री बाय टू दी पावर थ्री प्लस फाइव जेड टू दी पावर थ्री। अब इसमें होल घात थ्री थ्री हो जाएगी। अब इसमें फॉर्मूला जो आइडेंटिटी हुई होगी ए क्यू प्लस पी क्यू, ए क्यू प्लस पी क्यू इसमें कौन सी होगी, ए क्यू प्लस पी क्यू फैक्टराइज वाली, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे अपन वैल्यू पुट करके चलेंगे, ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू 3 बाय हो जाएगी ए इक्वल टू 3 बाय, और बी की वैल्यू कितनी होगी 5 है। अपन इसे पुट कर देंगे। अब ए के स्थान क्या रखना है आपको, 3 बाय की पावर 3 और बी के स्थान पर 5 है की पावर 3, ए प्लस बी यानी कि 3 बाय प्लस 5 है। अब स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 3 बाय स्क्वायर हो जाएगी माइनस ए बी, ए यानी कितना है अपना 3 बाय इंटू ओ बी कितना दिया है 5 जेड, ओ बी 5 जेड का होल स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर लिया अपने, ए के स्थान पर 3 बाय और बी के स्थान पर 5 जेड। अब इसको सॉल्व कर लें, 3 बाय प्लस 5 जेड इंटू जो यही कितना 9y²
और तीन पाँच एक पंद्रह वाई जेड, पंद्रह वाई जेड है, फिफ्टीन वाई जेड हो गया, और नाइन वाई स्क्वायर माइनस फिफ्टीन वाई जेड प्लस फाइव स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव जेड स्क्वायर। ठीक है ना, इस प्रकार से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपको स्वयं करना है। और क्वेश्चन नंबर इलेवन फैक्टराइज करना है, क्या करना है फैक्टराइज करना है, ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड, इसको क्या करना है आपको फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला यूज होगा, पहले इसको लिख लो, सत्ताईस का लिख सकते थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस नाइन एक्स वाई जेड। अब इसे फॉर्मूला यूज हो रहा है फैक्टराइज करने के लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। एक स्थान क्या करना है आपको 3x और b के y, b के स्थान पर क्या करना है आपको y और c के स्थान पर क्या पुट करना है आपको z। फॉर्मूले में मान रख दीजिए, तो जो जाएगा 3x टू दी पावर 3 v y क्यू प्लस c z माइनस 3abc माइनस 3 a कितना है 3x, b कितना है y और c कितना है z, इक्वल इक्वल क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी यानी थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आज हो जाएगा आपका थ्री एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर सी एक्स सी स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है थ्री एक्स और बी कितना है वाई, ए बी हो गया बी सी, v कितना है y, z, c कितना है z, y to z, minus c, a, c a कितना है, c कितना है z, और a कितना है, a कितना दिया 3x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, आज तो सॉल्व कर लो, 3x plus y plus z, equal, अब जो जाएंगे आपका 9x square, plus y square, plus z square, माइनस थ्री एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस थ्री जेड एक्स। ठीक है, ये आपको फैक्टराइज हो जाएगा, इसका फैक्टराइज हुआ जो हो जाएगा आपका ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यू माइनस थ्री थ्री जेड नाइन एक्स वाई जेड का। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको फैक्टराइज कर लेना। नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर तेरह देखें, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो सो डेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड। इफ इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो सो डेट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल थ्री एक्स वाई जेड, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, सिद्ध करना, यदि आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो दिया है तो सिद्ध कीजिए, सो डेट दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इक्वल टू थ्री एक्स वाई जेड होता है। इसमें फॉर्मूला यूज होगा आपका यही बार, पर इसका नाम बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा नाम, तो क्या लिख देंगे अपन एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल टू इज इक्वल टू
एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला यूज हो जाएंगे। अपने मालूम है क्या दिया है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो दिया हुआ है, दिया है ना। और उस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू रख दी तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इक्वल जीरो, मल्टीप्लाई करना है जीरो का, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स में। और से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड सेम आ जाएगी, ये हो जाएगा जीरो। अब माइनस थ्री एक्स वाई जेड को दूसरी साइड ले जाइए राइट हैंड पर, ट्रांसफर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इजकल टू थ्री एक्स वाई जेड, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सारे प्रश्नावली को सॉल्व कर लेंगे, आपका ये चैप्टर पॉलीनोमियल्स खत्म होता है। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप क्लास में आकर संपर्क कीजिए, ठीक है ना। आप अगले वीडियो में अगले अध्याय की ओर जाएंगे।